Hello and welcome to Triple classes. I welcome you all in this today's MCQ session which is based upon India's freedom struggle. Coming on to question number first here. Question number first here is Consider the following statements with regard to Shimla Pact. Jo Shimla Pact Huatha Usiki regarding statements. Hai. Statement number one here is वाइस राइज एग्जीक्यूटिव काउंसिल विल कॉन्स्टिट्यूट ऑनली इंडियंस स्टेटमेंट सेकेंड इज मिलिट्री कमांडर विल बी अपॉइंटेड ए ब्रिटिश ऑप्शन नंबर थर्ड हेयर इज देर विल बी एक्वल नंबर ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम इन द काउंस आपसे शिमला पैक्ट या जिसे वे वल प्लान भी कहा जाता है आई विल राइट हियर शिमला पैक्ट को वे वि प्लान भी कहा जाता है प्लान इसको कहते थे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ आर करेक्ट ऑप्शन ए हियर इज़ वन एंड टू ओनली ऑप्शन बी थ्री ओनली ऑप्शन सी वन एंड थ्री ओनली एंड ऑप्शन डी वन टू एंड थ्री ओनली आई होप आप सभी ने करेक्ट ऑप्शन यहां पे टिक कर लिया होगा गेस कर लिया होगा

वो थे लॉर्ड वैवल लॉर्ड वैवल उन्होंने क्या किया उन्होंने कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग के जो लीडर्स थे उनको शिमला में इनवाइट कर लिया उनको एक इनविटेशन दिया गया कि आप लोग शिमला आ जाओ ये जो एक सेशन हुआ ये जो एक इनविटेशन था ये एक पहला स्टेप था टूवर्ड्स द ट्रांसफर ऑफ पावर क्या हुआ इस प्लान में क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई फर्स्ट वॉज कि जो वाइस रॉयस एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगा उसमें खाली इंडियंस होंगे सो ऑप्शन वन हीयर इज़ कॉरेक्ट जो दूसरा जो इसका जो इस प्लान में था दूसरा ऑब्जेक्टिव था कि वाइस राय दोनों वाइस रॉय इंक्लूडिंग द मिलिट्री कमांडर विल बी ए ब्रिटिश ये एक ब्रिटिश ऑफिसर होगा ये एक ब्रिटिश मिलिट्री कमांडर अपॉइंट करेंगे आप एंड जो आपको वाइस रॉय भी अपॉइंट करना होगा वो भी एक ब्रिटेन होगा ब्रिटिश से होगा वो भी एक अंग्रेज़ होगा और तीसरा जो था इसने क्या किया कि जो ऑन रिलीजस ग्राउंड्स जो पहले जो डिस्क्रिमिनेशन होता था ऑन रिलीजस ग्राउंड्स जो डिस्क्रिमिनेशन होता था वेबल प्लान ने उसको दूर कर दिया इसमें एक ऑब्जेक्टिव रखा गया इसमें एक रेजोल्यूशन रखा गया दियर विल बी इक्वल नंबर ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम इन द काउंस सो ऑल द ऑप्शन ऑल द स्टेटमेंट्स हियर आर कॉरेक्ट सो ओनली ऑप्शन डी दैट इज वन टू एंड थ्री ऑल ऑफ द अबउ स्टेटमेंट्स आर कॉरेक्ट रिगार्डिंग शिमला प्लान और शिमला पैक्ट और वेवल प्लान ऑफ नाइनटीन फोर्टी फाइव एंड इनिशली इसको एक्सेप्टेबल किया दोनों ने कांग्रेस ने भी मुस्लिम लीग ने भी इसको एक्सेप्ट किया लेकिन बहुत ही जल्दी मुस्लिम लीग जो थे उसकी तरफ से एक कंडीशन सामने आ गई कि जो मुस्लिम मेंबर्स होंगे वाइस राइज एग्जीक्यूटिव काउंसिल में उसको मुस्लिम लीग ही नॉमिनेट कर सकता है यानी कि जो कांग्रेस पार्टी है जो कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो नॉमिनेट करेगी हिंदू जो कि जिनको नॉमिनेट किया जाएगा किसके लिए वाइस रॉयज एग्जीक्यूटिव के लिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लिए एंड बाद में क्या हुआ ये जो मुस्लिम लीग की तरफ से एक कंडीशन था इसको रिजेक्ट किया कांग्रेस ने एंड जो कांग्रेस के लीडर थे उस टाइम के अब्दुल कलाम आज़ाद थे उन्होंने क्या किया उन्होंने इसको रिजेक्ट किया सो so, अल्टीमेटली जो शिमला पैक्ट हुआ वेबल प्लान जो था वो फेल कर गया कॉमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर सेकेंड हेयर इज़ कंसिडर द फॉलोइंग वाइस रॉयज ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल जो वाइस रॉयज ऑफ इंडिया है पहले ऑप्शन वन लॉर्ड कर्जन ऑप्शन टू लॉर्ड चेलमसफोर्ड ऑप्शन थ्री लॉर्ड हॉडिंग ऑप्शन फोर लॉर्ड इरविन आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ दियर टेन्यूअवर यानी कि आपको बताना है कि पहले कौन थे वाइस रॉय ऑफ इंडिया उसके बाद कौन थे एंड फाइनली लास्ट में जो नंबर फोर पे कौन थे आपको एक क्रोनोलॉजिकल आर्डर ऑर्डर बताना है यहाँ पे रिगार्डिंग वाइस रॉयज ऑफ इंडिया ऑप्शन ए वन थ्री टू फोर ऑप्शन बी टू फोर वन थ्री ऑप्शन सी वन फोर टू थ्री एंड ऑप्शन डी टू थ्री वन फोर आई होप कि आपने करेक्ट ऑप्शन टिक कर लिया होगा गेस कर लिया होगा आई होप आपने करेक्ट ऑप्शन टिक कर लिया होगा पिक कर लिया होगा द करेक्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर टू योर क्वेश्चन इज़ ऑप्शन ए वन थ्री टू फोर यानी कि पहले थे लॉर्ड कर्जन थे उसके बाद थे लॉर्ड हॉड्रिज थे उसके बाद लॉर्ड चिलम्स फोर्ड जिन्हों जिनके बीच यानी कि जिसको हम रिलेट कर सकते हैं मोंटे के चिलम्स फोर्ड रिफॉर्मस हुए थे एंड उसके बाद लॉर्ड इरविन आखिर में जिसके जिनके बीच गांधी जी और उनके बीच एक पैक्ट हुआ था जिसको गांधी इरविन पैक्ट कहा जाता है एंड द करेक्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन ए वन थ्री टू फोर कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड हियर इज द मॉन्टेग्यू चिलम रिपोर्ट फॉर्म द बेसिस ऑफ जो मॉन्टेग्यू चिल्म फोर्ड रिपोर्ट आई थी रिपोर्ट बनी थी रिफॉर्म्स हुए थे वो बेस बना किसका द इंडियन काउंसल्स एक्ट 1909 The Government of India Act 1919, the Government of India Act 1935, and Indian Independence Act 1947. I hope that you all have ticked the correct option. Tick kar liya hoga. The correct answer to your question number third here is option number two. That is option number two. That is the Government of India Act 1900. नाइनटीन ऑप्शन सेकेंड इज हेयर करेक्ट देखिए क्या हुआ नाइनटीन सेवनटीन में क्या हुआ नाइनटीन सेवनटीन आया नाइनटीन सेवनटीन में क्या हुआ मॉन्टे के चिल्ड्रेंस फोर्ड हुए रिफॉर्म्स हुए लॉर्ड चिल्ड्रोर्ड उस टाइम के वाइस रॉय थे इसमें क्या हुआ कि इन रिफॉर्म्स में प्रॉमिस किया गया एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एक रेस्पांसिबल गवर्नमेंट मिलेगा इंडिया को एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट प्रोमिस किया गया इन रिफॉर्म्स में इस रिपोर्ट में और जो उस टाइम की जो इंडियन नेशनल जो एच आर एल हुआ था एच आर एल एच आर एल जो बना था उसके जो प्रेसिडेंट थी उसकी जो फाउंडर थी एनी बेसेंट होम रूल लीग जिन्होंने स्टार्ट किया था एनी बेसेंट ने क्या किया उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो होम रूल लीग मोमेंट है उसको विड्रॉ किया जाए उसको टेक, टेक बैक किया जाए एंड अल्टीमेटली वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की उस टाइम पे प्रेसिडेंट बन गई और कलकत्ता सेशन में जैसे ही 1917 में कलकत्ता सेशन हुआ ये बन गई एनी बेसन बन गई इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बन गई और जो कांग्रेस लीडर फेमस कांग्रेस लीडर्स थे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और बिपिन चंद्रपाल उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को अलविदा किया वो वहाँ से पार्टी को रिक्सत किया उन्होंने निकल गए इंडियन नेशनल कांग्रेस से क्योंकि ये एनी बैसंट के अपोजिट थे यानी कि दे वाई आर नाट हैप्पी विद एनी बैसेंट क्योंकि उन्होंने होम रूल लीग को विड्रॉ किया होम रूल लीग को विड्रॉ करने के बाद जैसे ही एनी बैसन बन गई इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट ड्यूरिंग कोलकाता सेशन इन 1917 उन्होंने विद्रा किया और उन्होंने बनाया उन्होंने अपनी एक पार्टी बना ली जिसका नाम था इंडियन लिबरल फेडरेशन इंडियन लिबरल फेडरेशन इंडियन लिबरल फेडरेशन इन 1918 दिस वाज एस्टैबलिश और ये था कुछ ओवरव्यू था माउंट माउंटैगो फॉर रिफॉर्मर्स का एंड उसी के बेसिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन वाज केम कम इनटू केम इनटू एक्जिस्टेंस उसमें क्या था कि जो प्रोविंसेस हैं वहाँ से डायरकी को डायरकी को, को प्रोवेंसेज में एस्टैब्लिश किया गया किया जाए इसमें क्या था कि डायारे में था कि द पावर ऑफ प्रोविंसेस दिस वाज टू बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स एक थे इसमें रिजर्व सब्जेक्ट्स एक थे रिजर्वड सब्जेक्ट्स एंड थे सब्जेक्ट्स सब्जेक्ट्स की में जो सब्जेक्ट्स थे प्रोविंस में उनको दो डिफरेंट कैटेगरीज में पुट किया गया एक थे रिजर्व सब्जेक्ट्स एक थे ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट्स रिजर्वड सब्जेक्ट्स इंक्लूड लाइक लाइक रिजर्वड सब्जेक्ट्स लाइक लॉ एंड ऑर्डर पुलिस जेल लैंड रेवेन्यू इसको इन इनके हाथ इन हैंड्स ऑफ गवर्नर जो कि एक ब्रिटेन uh, था जो कि ब्रिटिश था

दिस प्रोविज़न वॉज कॉल्ड डायर इसी को डायार कहा गया एंड जो इंडिया हाउस बना था उसका एंड उसके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे या उसका जो पूरा जो एक्सपेंडिचर आता था दिस वॉज टू बी चार्जड फ्रॉम ब्रिटिश रेवेन्यू पहले ये था ऑन इंडियन रेवेन्यू द एक्सपेंडिचर ऑफ इंडिया हाउस पहले था ऑन इंडियन रेवेन्यू नाउ दिस वॉज टू बी चार्जड ऑन ब्रिटिश रेवेन्यू ब्रिटिश रेवेन्यू पे दिस वॉज ऑल अबाउट मॉन्टेगूचल फॉर रिफॉर्मस कॉमिंग ऑन टूअर क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर हेयर इज हु द फॉलोइंग रिपीलड दर्नेक्यूलर प्रेस एक्ट ऑप्शन ऑप्शन टू लॉर्ड रिपन ऑप्शन थ्री लॉर्ड कर्जन एंड ऑप्शन फोर लॉर्ड हार्डिज आई होप क्या आपने करेक्ट ऑप्शन टिक कर लिया होगा गेस कर लिया होगा आपको बताना है रिपीलेड नॉट एस्टैब्लिश हु द फॉलोइंग मैंने आपको पहले ही लेक्चर में आगा किया कि वर्ड्स पे आप ध्यान देंगे जैसे ही एम आपके सामने आएंगे तो पहले आप उसको फुली अंडरस्टैंड करेंगे के यहाँ पर बताया जाता है आपसे बताया गया है कि हु अमंग द फॉलोइंग रिपीलेड रिपीलड हियर द वर्ड इज रिपीलेड किसने इसको ख़त्म किया रिपीलेड द वर्निकुलर प्रेस एक्ट देखिए द करेक्ट आंसर टू योर क्वेश्चन हेयर इज ऑप्शन टू लॉर्ड रिपन देखिए लॉर्ड लिटन थे वाइस ऑफ़ इंडिया उन्होंने जो कि वाइस ऑफ़ इंडिया थे एटीन हंड्रेड सेवेंटी सिक्स टू एटी ये वाइस ऑफ़ इंडिया थे लॉर्ड लॉर्ड लिटन इन्होंने ही वर्निकुलर प्रेस एक्ट बनाया था इसमें क्या था कि किसी भी लोकल लैंग्वेज में किसी भी लोकल लैंग्वेज में लोकल लैंग्वेज में आप कोई भी न्यूज़पेपर पब्लिश नहीं कर सकते न्यूज़ पेपर्स नो पब्लिकेशन ऑफ न्यूज़ पेपर इन लोकल लैंग्वेज दिस वॉज दिस वर्नेक्युलर प्रेस एक्ट एंड लॉर्ड रिपन थे जो कि वाइस रॉय ऑफ़ इंडिया थे फ्राम एटीन एटी टू एटीन एटी फोर एटीन एटी टू एटीन एटी फोर ये वाइस रॉय ऑफ़ इंडिया थे लॉर्ड रिपन इन्होंने ही एबॉलिश किया ख़त्म किया रिपील किया इस वर्निकुलर प्रेस एक्ट को द क्रेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर टू लॉर्ड रिपन कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर फाइव What was Kamagata Maru? Option one, a political party based in Taiwan. Option two, peasant communist leader of China. Option three, a naval ship on voyage to Canada. And option four a Chinese pilgrim. I hope the correct option guess kar hoga. The correct answer to your question number five here is ए नावल शिप ऑन वॉइस टू कैनाडा हियर आई विल गिव यू ए ब्रीफ ओवरव्यू अबाउट दिस इंसीडेंट विच टेक प्लेस इन नाइनटीन हंड्रेड फोटीन क्या हुआ कि जो इंडियन रेवोल्यूशनरीज थी रेवोल्यूशनरीज थे वो ऑपरेट कर रहे थे लंदन से भी एंड पैरिस से भी एंड इन्होंने बहुत सारे रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में उन्होंने पार्टिसपेट किया था और उसी दौरान जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी एंड जो फ्रेंच गवर्नमेंट थी ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड फ्रेंच गवर्नमेंट दे हैड देसड ए लॉ इन्होंने एक कानून बनाया था इन विच जिसमें ये कहा जाता था कि जो इनकी फिनानशियल प्रॉपर्टीज़ होंगी या कुछ बाकी एसेट्स होंगे दीज विल बी कॉन्फेस्केट उन्होंने क्या किया उन्होंने एक नया डेस्टिनेशन पाया उन्होंने अमेरिका की तरफ रख किया वो कैनाडा चले गए और वहाँ से उन्होंने लेकिन क्या हुआ जो कैनेडन गवर्नमेंट था उन्होंने भी एक लॉ पास किया इन विच जिसमें यह कहा जाता था इस ला में इन्होंने ये कहा कि दोज़ इंडियंस हु वाई नॉट कैरिंग हु वाई नॉट कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम इंडिया दे विल नॉट गेट एंट्री इन टू कैनेडा यानि जो इंडियंस फ्रांस से आएंगे ब्रिटेन से आएंगे उनको अलाउ नहीं किया जाएगा इंडिया में और क्या हुआ कि एक गुरदीत सिंह थे उन्होंने एक शिप हायर कर लिया जिसका नाम था कमाघट्टा मारू एंड वो कनाडा की तरफ चले गए लेकिन कैनेडियन पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की और उसमें क्या था कि रहीम सिंह थे रहीम सिंह उन्होंने नेगोशिएशंस की कैनेडियन पुलिस के साथ बट ड्यू टू आउटब्रेक ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शिप वाज फोर्स टू सेंड बैक टू इंडिया एंड जो ब्रिटिश पुलिस जैसे ही उन्होंने देखा कि शिप आ रही है वापस उन्होंने इंडियंस पे फायरिंग स्टार्ट की कुछ ने जंप किया वाटर में कुछ पानी में बह गए एंड कुछ मर गए ब्रिटेन ब्रिटिश मिलिट्री की गोलियों से बुलेट्स से सो so अल्टीमेटली एक ट्रेजिक एंड था कमागट्टा मारू का ये था कमागट्टा मारो इंसिडेंट ऑप्शन नंबर थर्ड हियर इज ए शिप ऑन वॉएज टू कैनेडा दिस इज द करेक्ट आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर फाइव कमिंग ऑन टू योर क्वेश्चन नंबर सिक्स विच आर द फॉलोइंग वॉज Which of the following was the only Indian National Congress session that was presided by Mahatma Gandhi? Option one here is Amravati. Sorry. Option number first is Amravati. Option number second, Belgaum. Option number third, Nagpur, and option number four, Karachi. The only Indian National Congress session which was presided. Just president of President of Mahatma Gandhi apku ye आई होप कि आपने करेक्ट ऑप्शन टिक कर लिया होगा गेस कर लिया होगा द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर सिक्स हेयर इज़ बेलगाम सेशन जो कि 1924 में हुआ ये एक वाहिद एक सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक वाहिद सेशन था जिसमें मोहनदास करमचंद गांधी को प्रेसिडेंट बना दिया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये खाली एक वाहिद एक सेशन था बेलगाम सेशनटी हंड्रेड टुवेंटी फोर कमिंग ऑन टू यशन नंबर सेवन क्वेशन नंबर सेवन हियर इज इन वच इयर भारत रत्न वाज अनौंसड किस साल में भारत रत्न एवॉर्ड दिस वसड फॉर सुबहष चंद्र बोस ऑप्शन वन नाइनटीन एटी एट ऑप्शन नंबर टू नाइनटीन नाइन्टी वन ऑप्शन नंबर थ्री नाइनटीन नाइन्टी टू एंड ऑप्शन नंबर फोर नाइनटीन नाइन्टी सिक आई होप क्या आपने करेक्ट ऑप्शन टिक कर लिया होगा गेस कर लिया होगा द करेक्ट आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर सेवन द करेक्ट आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर सेवन हेयर इज़ ऑप्शन नंबर थर्ड दैट इज़ नाइनटीन हंड्रेड नाइनटी टू नाइनटीन हंड्रेड नाइन्टीन नाइन्टी टू में अनाउंस हुआ था कि सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न अवार्ड कन्फ़र किया जाएगा लेकिन क्या हुआ कि इट वॉज़ अपोज बाई मेंबर्स ऑफ़ फैमिली जो इनके फैमिली मेम्बर्स थे उन्होंने इसको अपोज़ किया क्योंकि उनका मानना था कि सुभाष चंद्र बोस थे कि अभी उनका देहांत नहीं हुआ है अभी वो जिंदा ही है उनका ये मानना था देखिए क्या हुआ कि 1939 में जैसे ही सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक एस्टैब्लिश किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको अरेस्ट कर लिया उसके बाद एंड उनको जैसे ही प्रिजन में रखा गया कुछ टाइम के बाद वो वहाँ से एस्केप कर गए विद द हेल्प ऑफ जर्मनी उन्होंने जा, वो जापान पहुँच गए जापान में क्या हुआ उन्होंने कमांड ली किसकी इंडियन नेशनल आर्मी की इंडियन नेशनल आर्मी जो कि फॉरेन से ऑपरेट कर रही थी उन्होंने उसकी कमांड ली एंड इट वाज इस्टैब्लिश्ड बाई जो ये इंडियन नेशनल आर्मी थी इसको एस्टैब्लिश किया था किसने कैप्टन मोहन सिंह ने सुभाष ने सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया उन्होंने आई को डिवाइड किया इन थ्री रेजिमेंट्स अंडर द लीडरशिप ऑफ शाहनवाज डिलोन एंड सहगल एंड उन्होंने क्या किया एक वुमेन रेजिमेंट बनाया गया जिसका नाम पड़ा रानी जासिंग रेजिमेंट एंड इट वॉज लेड बाई लक्ष्मी सहगल जापान की मदद से उन्होंने क्या किया uh, उन्होंने एस्टैब्लिश किया गवर्नमेंट ऑफ़ फ्री इंडिया एट सिंगापुर जापान ओवर सुभाष चंद्र बोस उन, जो और जो जापान था उसने जापान ने क्या किया जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं उन्होंने वो सुभाष चंद्र बोस के हाथ सुपर्द किया उन्होंने वो सुभाष चंद्र बोस को दिया एंड उसको बाद में सुभाष चंद्र बोस ने एज सावराज एंड शहीद नाम दिया था जिसको अंडमान निकोबार को एंड आफ्टर डिफीट जैसे ही जापान की डिफीट हुई नाइनटीन में जो इंडियन नेशनल आर्मी थी वो भी यानी कि कहीं ना कहीं उस पे भी दबाव पड़ा सुभाष चंद्र बोस माने जाते हैं कि एक प्लेन क्रैश कर गया ताइवान में जिन जिसमें सुभाष चंद्र बोस भी ट्रैवल कर रहे थे एंड वो भी अल्टीमेटली उनका भी इंतकाल हो गया एंड दिस वाज इन द ईयर 1992 कि सुभाष चंद्र बोस वाज अनाउंसड दैट दिस भारत रत्न अवार्ड वाज अनाउंसड फॉर सुभाष चंद्र बोस इन 1992 लेकिन Uh, उसके बाद 1997 में जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया दिस भारत uh, रत्न अवार्ड फॉर सुभाष चंद्र बोस दिस वाज कैंसल्ड एंड ये एक दिस इज़ द ओनली केस इन इंडिया जहाँ पे भारत रत्न एवॉर्ड या जहाँ पे किसी अवार्ड को अनाउंस किया गया एंड बट दिस वाज नॉट कन्फोर्ड दिस वाज नॉट कन्फोर्ड ओनली केस विच हैपन इन इंडिया Coming on to our last question. Last question here is Consider the following newspapers or journals. Option number one Young India. Option second is Indian Opinion. And option third is Dahitawada. Which of the following was wire published by Mohandas Karamchand Gandhi? In my say, kone, kone 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 say, Newspapers or journalists the. जिनको पब्लिश किया करवाया था किया था मोहनदास करमचंद गांधी ने ऑप्शन नंबर ए वन एंड टू ओनली दैट इज़ यंग इंडिया एंड इंडियन ओपिनियन ऑप्शन बी थ्री ओनली दैट इज़ द हितावदा ऑप्शन सी टू एंड थ्री ओनली एंड ऑप्शन डी वन टू एंड थ्री आई होप कि आपने करेक्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ पे गेस कर लिया होगा द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर ए दैट इज़ वन एंड टू दैट इज़ दैट इज़ यंग इंडिया एंड द इंडियन ओपिनियन यंग इंडिया एक वीकली पेपर था या जर्नल था जो कि इंग्लिश में इसको इंग्लिश लैंग्वेज में पब्लिश किया जाता था किस और उनके इसके जो पब्लिशर थे वो थे मोहनदास करमचंद गांधी फ्रॉम नाइनटीन नाइनटीन फ्राम नाइनटीन नाइन्टीन फ्राम नाइनटीन नाइन्टीन तिल टिल नाइनटीन थर्टी वन इसको पब्लिश किया जाता था यंग इंडिया को एंड उसके बाद जो इंडियन ओपिनियन था इंडियन ओपिनियन को एस्टैब्लिश किया था महात्मा गांधी ने एंड uh, अगर हम हितावदा की बात करें हितावदा जो है दिस इज़ द ओल्डेस्ट इंग्लिश डेली इंग्लिश डेली एंड दिस वाज लॉन्चड एट एज अ पार्ट ऑफ़ फ्रीडम स्ट्रगल बाय गोपाल कृष्ण गोखले ने इसको एस्टैब्लिश किया था इसको लॉन्च किया था इन 1911 हंड्रेड एलेवन किस को हितावदा को किसने गोपाल इसको किसने किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने एंड एंड द आंसर टू येशसचन नंबर एट दैट लास्ट क्वेश्चन इज़ वन एंड टू ऑनली दैट इज़ यंग इंडिया एंड इंडियन ओपिनियन आई होप कि आप uh, आज इस लेक्चर से बहुत सारी चीज़ें आपने रिवाइज की होगी आपको रिविजन भी मिल गया होगा आई होप कि आपको आज का ये लेक्चर पसंद आ गया होगा थैंक्स हैव ए गुड डे